नमस्कार दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं सिंगर का हॉट एयर ब्लोअर। इस ब्लोअर को मैंने एक साल पहले परचेज़ किया हुआ है फ्लिपकार्ट से सिर्फ 1500 रुपये में। अभी इसका प्राइसिंग है 1800 रुपये के आसपास। और आप देख सकते हैं इस ब्लोअर में काफ़ी हीटिंग तो काफ़ी अच्छा है, बट इसका जो साउंड बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, बहुत एनोइंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी ये चल रहा है 2000 वाट पे, हीटिंग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप हाथ लगाते हैं तो हाथ यहाँ बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मुश्किल से एक मिनट के अंदर आप हटा सकते हैं, इतना ज़्यादा हीटिंग है। हीटिंग तो अच्छा है लेकिन साउंड बहुत एनोइंग है। मैंने इसको कई तरह से सेट किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको अगर देखिए, अगर इसका स्टैंड पे हम खड़ा करते हैं ऐसे, इसका एक स्टैंड है तो भी आवाज़ आता है, इसका साउंड जाता ही नहीं है। पता नहीं कैसे, इसके नीचे स्क्रू वगैरह है। जैसे यहाँ पे आप, ये दिखाता हूँ आपको, इसके नीचे स्क्रू ये लगा हुआ है। इसको मैंने टाइट भी कराया है, मैं खुद भी टाइट किया हूँ, लेकिन फिर भी इसका आवाज़ जाता नहीं है। जैसा कि मेरा सिंगर का पहले एक हीटर का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ओरिएंट जो हॉट एयर ब्लोअर था उसमें तो आवाज़ नहीं आता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आया कि बार बार स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन होता है, तो उसका जो थर्मोस्टेट है अभी ख़राब हो गया है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो तो काफ़ी दिन चला, वैसे 4 साल मेरे ख्याल से 3 साल से ज़्यादा ही चला है। और उसमें क्या प्रॉब्लम आया था कि ये जो थर्मो स्टेट है ना, हाँ ये थर्मो जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक कट होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, और विद इन 1 मिनट। ऐसा नहीं है कि रूम को हीट करने के बाद से ऑफ होता है, ऐसा नहीं है, बार बार हीट होता है, बार बार कट होता है। इसलिए मैंने उसको अभी हटा दिया है, सिंगर का मैंने चला रखा है। ये सिंगर ब्रांड अच्छा है, बहुत हैवी है, उस हीटर से जो ओरिएंट का हीटर ब्लोअर है उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग भी है, काफ़ी हैवी भी है, उससे बड़ा भी है, पावरफुल भी है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा पावरफुल है इसीलिए इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। उसको कम पावरफुल बनाया गया इसलिए वो हो सकता है कम वाइब्रेशन हो, साइलेंट हो, लेकिन हीटिंग के मामले में भी ये उस हीटर से ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा है। अभी मैं कम से कम 2 मीटर पे हूँ और मुझे यहाँ तक हवा, उसका गर्म हवा आ रहा है, इसका हॉट ब्लोइंग है, काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। और आप देख सकते हैं बगल में मैंने एक और हीटर लगा रखा है, ये है आपका एवरेडी का, और ये हीटर काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसमें यह है कि इसका जो रॉड है ना, रॉड बहुत ज़्यादा फ्यूज़ होता है, जैसे एक साल में मेरा ये फ्यूज़ हो गया। अभी आप देख सकते हैं एक ही चलता है, जब भी लाइट कटता है तो मैं इन्वर्टर से इसको चलाता हूँ, और एक रॉड है ना इन्वर्टर से चल जाएगा, और इसलिए मैंने रखा है ताकि अगर लाइट कटता है, ब्लोअर मेरा बंद हो जाता है, तो मैं इस जो क्वाड हीटर है इसको मैं चला सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हॉट एयर ब्लोअर, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल है, सस्ता है, और ब्रांड भी अच्छा है, सिंगर का ब्रांड है। आप देख सकते हैं SC30T सिंगर ब्रांड है, तो सिंगर ब्रांड भी अच्छा ब्रांड माना जाता है क्योंकि इसका सिलाई मशीन आता है, काफ़ी अच्छा चलता है। अभी देखिए लाइट चला गया है और मैं इसको चलाने जा रहा हूँ, छोटे वाले हीटर को। तो इसका स्विच कहाँ से है, हाँ ये रहा इसका वायर, और देखिए मैं यहाँ पे इन्वर्टर से इसको चलाऊंगा। आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर से कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं अभी ये 400 वाट पे चल रहा है, एक जो क्वार्ट्ज है ना ये फ्यूज हो चुका है, इसलिए एक ही क्वार्ट चल रहा है। और इन्वर्टर पे वैसे भी डबल क्वार्ट्ज नहीं चला सकते हैं, एक ही क्वार्ट चलाते हैं,
और जो मेरा इन्वर्टर है उसका आउटपुट है 800 के करीब, 800 वाट उसका आउटपुट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा पावरफुल मतलब दोनों क्वार्ट्स को नहीं चला सकता हूँ। आइए आपको इन्वर्टर दिखाता हूँ, लोड कैसे शो कर रहा है उस पर। जैसे मैंने इन्वर्टर पे जैसे लोड दिया ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं, यस यहाँ पे देख सकते हैं लाइट कटा हुआ है, यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रहा है। अगर लाइट होता है तो यहाँ ब्लिंक करता है, और लाइट कटा हुआ है तो इसलिए सिर्फ बैटरी पे आ गया, ये बैटरी शो कर रहा है। और इसका आवाज़ सुन सकते हैं, इसमें जो फ़ैन है ऑन हो गया है, क्योंकि इस पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। अगर प्रेशर नहीं पड़ता ना तो ये फ़ैन ऑन नहीं रहता है, साइलेंटली ये काम करता है। अभी इसका फ़ैन ऑन है, यहाँ पे आप सुन सकते हैं। इस पे प्रेशर है, लेकिन इस हीटर को काफ़ी ज़्यादा देर चला सकता है, मुश्किल से 4 घंटा तो चला ही सकता है, और ठंडी के दिनों में 4 घंटा काफ़ी मायने रखता है। तो आप भी सिंगर का हीटर परचेज कर सकते हैं, और जो आपके पास अगर एवरेडी का हीटर हो या कोई भी क्वार्ट्ज हीटर हो, तो आप एक क्वार्ट्ज इन्वर्टर से चला सकते हैं।